কি আর হবে, ওরা যেটা খুশি সেটা করলে আর কি হবে? আমার করার তো কোনো শক্তি নাই নে। আমার যদি শক্তি থাকলে তাহলে ওরা কি ওই বিদেশি ঘোষণা করবে ভাই, ডি ভোটার করবে ভাই? আমার সেই শক্তি শক্তি তো নাই। তোমার ইচ্ছি আমরা যেটা সরকার যেটা করবে ওইটি তোমরা দিন দিন করে রাত রাত করে। না আমরা এই ভারতের না করি, বাংলাদেশ আমরা জানিয়ে না করি বাংলাদেশ। यह बुजुर्ग जोड़ी जो अभी कुछ समय पहले ही राज्य विहीनता के खतरे का सामना कर रहा था, उनकी दशकों पुरानी शादी और समुदाय में गहरी जड़े होने के बावजूद आसाम के नागरिकता संकट की याद दिलाने वाले विदेशी न्यायाधिकरण के एक नोटिस से उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। सदर और मोलिना जो अब 60 के दशक में है, वह एक कठिन कानूनी चक्रव्यूह में फंस गए। গৌড়িতে কয় বাংলাদেশি, বাংলা কথা বলে গৌড়িতে কয় বলে বাঙালি বাংলাদেশি। হ্যাঁ তাহলে ভারতের লোক হয়ে মানে সব যদি যায় যে আমরা হয়তো মূর্খ পড়াশোনা কম পড়ছে বাংলা কথাই কবি, তাই বাংলা কথা কইলে বলে বাংলাদেশি। তাহলে নোটিশটি আসেন শুনলাম বলে মোড়ো নাম আছে এমারও নাম আছে, কি উদ্দেশ্যে আছে নোটিশটি আমার? এতগুলি প্রমাণপত্র দিগিও যে আমার নোটিশ আছে, সরকারের চাল পুঁজি খরচ মানে গরিব মানুষ মরুক, টাকা পুঁজি অত সত্য যা যা আছে সব শেষ হোক, বাংলাদেশে তো কাগজ দিয়ে উঠবে না ভাই। यह एक भयानक घटना थी जिसने उनको सदमे में डाल दिया। এইটাকার জন্ম এই ভোট রানিং চলি আছে আমার 85 থেকেই এনআরসি নাম আছে, তার ভিতরে দিয়ে এই যে আমার নোটিশটা যে আসল কি কারণ কিছু বুঝি না, আর মালিকে জানে আর ওরা জন্ম আমার এটি সবই আবশ্যক দস্তাবেজ হোনে কে বাবজুদ অর আসাম বিধানসভা দ্বারা স্বদেশী কে রূপ মে মান্যতা প্রাপ্ত দেশী সমুদায় সে संबंधित होने के बावजूद आधिकारिक सहायता डराने वाली थी। 18 खान मास यदि कोट जवाई से कड़ा है को तुले टाका खर्च है, गाड़ी खर्च होटल खर्च ये संसार चलान निजे पेट चलान दिनेर क्षति बहुत हारा जाती है, इसलिए माने दुख को कोनो सीमा नहीं। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से नोटिस आने के साथ साथ बहुत सारी दिक्कतें चालू हो जाती है। पहले तो रहता है मानसिक, वो लोग बिल्कुल मानसिक तरह से दुर्बल हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो हमारा जो पहला काम रहता है उनको कैसे हमें उनको काउंसलिंग करना है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो है कागज का युद्ध। कागज का युद्ध ऐसा नहीं है कि लोगों के पास कागज नहीं है, कागज है, लेकिन उन कागज को ऑफिस से गवर्नमेंट ऑफिस से समय रहते ही निकालना ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और उसी के साथ साथ एक फाइनेंशियल बैटल भी रहता है जो लोगों को बिल्कुल तहस नहस कर देता है। अटूट समर्पण के साथ सीजेपी की कानूनी और पैरालीगल टीम उनके लिए न्याय सुनिश्चित करने के मिशन पर निकल पड़ी और 19 मार्च 2024 को सदर और मौलिना को भारतीय घोषित कर दिया गया। उनकी कहानी विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता का प्रमाण है। जो समाज के सबसे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, सीजीपी उन बुजुर्ग के पास, उन महिलाओं के पास, उन पिछले वर्ग के पास जो सामाजिक आर्थिक और शिक्षा के बारे में सबसे पीछे है, उनके लिए काम करते हैं और हमेशा करेंगे। सीजेपी सदर और मौलिना जैसे कई पीड़ितों के लिए लड़ रही है जो आसाम में नागरिकता संकट से लड़ रहे हैं। आसाम में हमारे मिशन से जुड़े।